नमस्कार दोस्तों, लाइव जनता देश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आज मतगणना हुई थी और मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद जैसे ही दोनों पक्ष के कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं और नारेबाजी को लेकर हंगामा होता है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पूरा हाईवे नेशनल हाईवे पर पब्लिक ही पब्लिक है साफ तौर पर, जिसमें एक तरफ नारेबाजी करते हुए दो गुट आमने सामने होंगे, लाठी डंडे चले और भारी संख्या में फोर्स पहुँचाया। खुद बागपत SP ने कमांड संभालते हुए मामले को यहाँ देखा है और लोगों के इसमें तकरीबन 3-4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पथराव भी देखने को मिला है। पुलिस बल पर भारी पथराव किया गया है और पुलिस ने आंसू गैस का यहाँ प्रयोग किया है, यानी साफ तौर पर व्यवस्थाओं को बनाने में पुलिस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और यहाँ लोगों ने, मैं दिखाऊंगा सबसे पहले आंसू गोला पड़ा है और यहाँ देखिए किस तरीके से अब भी युवकों में लाठी डंडे और किस तरीके से वहाँ मारपीट हुई। तस्वीरों में लाइव जनादेश पर लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से उस सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करे हुए हैं और ये देखो कुर्सी किस तरीके से तोड़े हुए हैं, यानी बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ देखने को मिला है। साफ तौर पर जो गाइडलाइन थी चुनाव आयोग की उसकी भी धज्जियाँ उड़ती हुई साफ नजर आई है। पुलिस प्रशासन की सामने बड़ी चुनौती जिस तरीके से यहाँ ये दंगा हुआ है, यानी साफ तौर पर लाठी डंडे पथराव और आगजनी कहीं ना कहीं देखने को मिली और भारी संख्या में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी जाम करा हुआ है। यानी देख सकते हैं लाइव जनादेश पर यह तस्वीरें किस तरीके से संघर्ष की जो स्थिति है वो बनी हुई है। खुद बागपत SP कप्तान खुद मौके पर हैं और बीचों बीच हाईवे पर कुर्सी डालकर बैठ गए हैं, यानी ये बागपत कप्तान है। जितने यहाँ दंगे या हुड़दंगे जिन्होंने जिस तरीके से यहाँ आपस में एक दूसरे खून के प्यासे हो गए और आपस में लाठी डंडों से पथराव करे, वहीं बागपत SP ने मोर्चा संभालते हुए पूरी फोर्स के साथ मामले को यहाँ शांत किया है और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके के ये हुड़दंग हुआ है या पथराव हुआ है कौन लोग हैं और किस पार्टी के हैं, और लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोग निकल कर आए हैं वो RLD पार्टी और BJP पार्टी के आमने सामने हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ बागपत से प्रत्याशी है योगेश धामा BJP वो जीते हैं और बड़ौद की सीट से BJP प्रत्याशी KP मलिक और जो उनके समर्थक हैं RLD के समर्थक हैं, RLD का कैंप बना हुआ है, इसको लेकर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर उन्होंने हुड़दंग पथराव और पुलिस पर हमला या ईंट बरसाई है। अब देखने वाली बात होगी कौन कौन लोग हैं और कितने लोग इस जो दंगा में शामिल हुए, पुलिस कितनी उन पर कार्रवाई करेगी और कब तक करेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।